ये गलती डेंटिस्ट के पास जा रहे हो तो बिल्कुल मत करना। हमेशा डेंटिस्ट के पास क्या होता है, आपको एनेस्थीसिया लगाते हैं, आपकी टंग नम हो जाती है। तो डेंटिस्ट हमेशा बोलता है आपको कि डेंटल ट्रीटमेंट होने के बाद 2 ढाई घंटा 3 घंटा खाना नहीं। इन केस ऑफ एनेस्थीसिया, अगर आपके होंठ नम के, जीभ नम के, आप कुछ खा रहे हो तो क्या होता है, आपकी जीभ अगर खाने के बीच में, बिकॉज ऑल द कंट्रोल इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया, और उसके बाद क्या होगा, आपकी जीभ अगर दांत के बीच में भी आ रही तो आपको पता नहीं चलता। तो बहुत लोगों को टंग के ऊपर बहुत बड़ा च्यूइंग, मतलब एक च्यूइंग बाइट टाइप में, एक अल्सर टाइप में आ जाता है। मैं बहुत बार पेशेंट को बोलता हूँ कि 2-3 घंटा कुछ खाना नहीं, जैसे दांत निकालने के बाद एनेस्थीसिया में दांत निकालते हैं, मैं बोलता हूँ कुछ खाना नहीं। फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि आप सिर्फ आइसक्रीम खाओ। तो दिस हैपन जस्ट हैपन विथ माई वन पेशेंट। मैंने उनको बोला कि सर दांत निकाला है, कुछ खाना नहीं 3 घंटे तक। फिर पेशेंट सेकंड डे मुझे एक फोटो भेजता, उसमें टंग को बहुत बड़ा लीजन था। मैं बोला सर आपने कुछ खाया? नहीं। बोले सर मैंने कुछ नहीं खाया। बोले नहीं सर कुछ तो खाया है। बोले सर आपने बोला था मैंने आइसक्रीम खाई। मैंने बोला कौन सी आइसक्रीम खाई? बोले सर कोन वाली आइसक्रीम खाई। सो कोन वाली आइसक्रीम क्या, छू करके खानी होती है। सो जो दांत के बाद, ट्रीटमेंट के बाद आइसक्रीम भी जो खानी हो, प्लेन आइसक्रीम खानी है आपको, कोई चबाने वाली चीज नहीं खानी है। बिकॉज व्हेनेवर यू च्यू, योर टंग विल गेट बिटवीन योर टीथ और आपको एक बाउंड हो जाएगा। सो मेक श्योर यू नो दिस पॉइंट एंड यू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट। थैंक यू।